कुछ एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। उसमें एक सलील है मुंबई से अपना सवाल पूछने के लिए। सलील जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी सर, मैंने इंडिया सीमेंट का मई फ्यूचर का एक लॉट लिया है 225 रुपए में। तो चार्ट पैटर्न और परसों के ब्रेकआउट को देखकर लिया था तो अच्छा। लेकिन अभी 218 चल रहा है तो क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे इंडिया सीमेंट में हमने तो बहुत पहले ही आपको बताया था एक बार कॉल देखते हुए कि इंडिया सीमेंट में जरूर आपको ट्रेड लेना चाहिए था, शायद थोड़ा सा आप मौका चूक गए हैं। कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। अभी इंडिया सीमेंट एक लॉट इनके पास है 225 का। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि ये शेयर अच्छा चला, बहुत बढ़िया मूव इसने दिया। अब जेके थोड़ा रिस्क इनका बढ़ गया है क्योंकि आज सीमेंट घटने के दाम घटने की भी खबर आ गई है। आपकी राय क्या इंडिया सीमेंट पे, एक बार बाहर आ जाए क्या इससे? अब ब्रेकआउट दिया है, आई थिंक ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट फिजल आउट हुआ है, वॉल्यूम के साथ मूवमेंट है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। मैं ये सलाह दूंगा एक टाइट स्टॉप लॉस 215 का स्पॉट लेवल पे एक स्टॉप लॉस ला के होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। चांसेस होने के स्टॉक पे दोबारा नो डाउट इन्होंने हाई पे पकड़ लिया है तो आई थिंक 215 का यहाँ से दो ढाई रुपए का एक स्टॉप लॉस ला के होल्ड करने के लिए। ठीक है, देखिए शेयर अच्छा पकड़ना बड़ी बात नहीं है, शेयर अच्छे प्राइस पे पकड़ना भी बड़ी बात है। अच्छा शेयर तो लेना ही है लेकिन एंट्री लेवल भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इंडिया सीमेंट में आपने शेयर अच्छा पकड़ा लेकिन एंट्री लेवल पे आके थोड़ा सा हमको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी चूक रह गई है। अब 215 का एक टाइट स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा, ये नहीं ब्रेक होता तो आपके रेट आ जाने चाहिए, नहीं आते तो एक बार 215 का तो स्टॉप लॉस से आपको फिर लग जाएगा तो बाहर आना ही होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आपको कुछ एक ट्रेड बता देते हैं। जेके आपकी टाटा स्टील की ऑप्शन की स्ट्रेटजी क्या थी 500 की कॉल की, एक बार रेट बताएंगे। तो मैंने 500 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दिया था करीब 7 रुपए के आसपास, अभी करीब 8.5 है, आई थिंक अभी भी बाय कर सकते हैं, स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है तो मेरे हिसाब से 4 रुपए का इसका स्टॉप लॉस ला के बाय कर सकते हैं। ऊपर में 13 से 14 रुपए का इसका लक्ष्य होगा जो हमें लगता है कि अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में अचीवेबल है। स्टॉक देखिए करीब 8.5% चला है, 10 साल का हाई वॉल्यूम है तो क्लियरली इंडिकेट करता है जब भी ऐसा मूवमेंट रहता है स्टॉक में तो अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन और पॉजिटिव रुझान देखने को मिलता है। काफी लोग मिस कर चुके होंगे तो आई थिंक ऑप्शन के जरिए प्ले करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा तो 500 का कॉल ऑप्शन। यस, ये बेटर है, ये बेटर है कि अगर आप फ्यूचर नहीं ले सकते भी टाटा स्टील का 8% से डर लग रहा है तो ये ऑप्शन ले लीजिए। 500 की कॉल है, 7 रुपये में दी थी, अभी 8 तो हो चुकी है, अभी भी एंट्री आप कर सकते हैं इसमें और एक अच्छा मूव आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। 13 रुपये तक का टारगेट है, इस कॉल को आप प्लस कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, वसीम है हैदराबाद से। इनसे भी इनका एक जो कॉल आई है वो DLF के रिगार्डिंग थी, हालांकि DLF हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हेम और कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं क्योंकि DLF ऑलरेडी डिस्कस है शो में। अब हेम आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? ठीक है, इनसे भी संपर्क टूट गया लेकिन इनका जो पुट पे है सवाल, 9300 की पुट इन्होंने ली है। एक बार निफ्टी की कोई भी पुट लेने लायक है इस समय? इन्होंने 9300 की पुट प्लस की हुई है, आपकी राय चाहिए सर। नहीं जिस हिसाब से देखिए आई थिंक निफ्टी मैक्सिमम 20-30 पॉइंट से मैक्सिमम करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है ओवरऑल अगर देखेंगे तो मार्केट में मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन शॉर्ट भी किया है मार्केट में कि इतना काफी चल चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। निफ्टी पे कल के ट्रेड में डिस्प्ले भी जा चुका था, आज के ट्रेड में भी फ्लैट टू फ्लैट आया था फ्यूचर तो क्लियरली शॉर्ट पोजिशन अभी भी है। आई थिंक ये शॉर्ट पोजिशन हेल्प करेंगे कि मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं देंगे तो पुट ऑप्शन वो भी 9300 या 9400 का बाय करके हमें नहीं लगता सिग्निफिकेंट पैसा बनेगा। अगर हाँ कोई रिस्क लेना चाहता है कि मेरा अगर जीरो भी होगा वादा नहीं है तो उनके लिए बेटर स्ट्रेटेजी होगा, रैदर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव में बाय करके यहाँ पे पैसा बनाना पुट में बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आपको आज के सौदे भी बता देते हैं। आज का हमने दो शेयर्स आपके लिए रखे हैं। पहला तो एक तो आज का सौदा जो है वो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल हमने इंजीनियर्स इंडिया आपको बताया था, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ आपको, हमने जो कैलकुलेशन बिठाई उस हिसाब से 18,000 रुपये पर लॉट का बेनिफिट तो अभी तक आपके पास है, ये आगे और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, 178 के टारगेट है, अभी 180 के टारगेट भी हमको मिल चुके हैं जो कि एंजल की तरफ से दिए गए थे। तो फिलहाल आप नज़र रखें, 169 पे लिया हुआ, 174-175 पे भी काट दिया हुआ तो 18,000 का प्रॉफिट है। अब आज का सौदा भी नोट कर लीजिए, आज का सौदा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सुबह से आपको बता रहे हैं ये 62-62-20 पे हमने आपको बताया था, अब ये करीब करीब 62-85-63 तक की रेंज में आ चुका है। वैसे 63.25 रुपये का इसने हाई भी बनाया, अभी ये 66 तक जा सकता है, इस पर आप ध्यान रखें, 61 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है। मेटल शेयर्स में आज तेजी है, यही आज का फ्लेवर है तो सेल के अंदर शॉर्ट कवरिंग और ड्यू है, ये आप ध्यान रखें, शेयर के अंदर एक अच्छा खासा मूव आपको मिल जाएगा। एक ऑप्शन की रणनीति भी आपको बताते चलते चलते, वो रहेगी
एचयूएल को लेकर एचयूएल के नंबर्स आने वाले हैं। अभी 105 हो चुका है, ये हमने जब आपको रणनीति बताई थी ना तब ये करीब 996 रुपये का था, अभी भी चलेगा। आप इसके 1000 की कॉल को प्लस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको जिसमें रखना है वो 14 रुपीज़ का था, ये 17 रुपये की वाली कॉल अब करीब करीब 19 से 20 रुपये हो चुकी है। 26 का टारगेट है, टारगेट बढ़ा सकते हैं आप, ये 30 तक का भी टारगेट आप ले जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, 14 की जगह अपने रेट का ही लगा लीजिए, इसके अंदर आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। ये आशु मदान से हमने आपके लिए स्पेशली एचयूएल को लेकर कॉल ली है, इसके नंबर्स आने, अगर आप फ्यूचर नहीं ले सकते तो एक कॉल से आपको अच्छा मुनाफा ज़रूर बनता हुआ दिखेगा। शुक्रिया जेके आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। इस बीच सपनेश लल्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीईओ हैं एनआईटी के, उनसे बातचीत करते हैं। सपनेश जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। नंबर्स काफ़ी रोबस्ट रहे, कुछ खास तैयारी की थी क्या आपने नंबर्स के रिगार्डिंग? हमारा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है ऑन द बैक ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग रेवेन्यूज फॉर सीएलजी। सो सीएलजी हैज डन वेल एंड इनफैक्ट ऑल यूनिट्स ऑफ द कंपनी हैव डन वेल। द स्किल्स एंड करियर बिजनेस हैज टर्न्ड अराउंड, द गो फॉरवर्ड स्कूल्स बिजनेस हैज डन वेल। तो सभी यूनिट्स ने अच्छा काम किया है और उसके बनिस्बत सारे नंबर्स बेहतर हैं। अच्छा सर, ये जब नंबर्स अच्छे आ जाते हैं ना तो चैलेंज भी उतना बढ़ जाता है। ये जो नंबर्स हम एबिट मार्जिन पे देख रहे हैं, 30% की ग्रोथ आपने दिखाई है, ये मार्जिन आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं क्या? कोशिश तो हमारी यही रहेगी, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स नए आ रहे हैं दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ओवर द नेक्स्ट ईयर। वी आर कंटिन्यूइंग टू एक्सपेक्ट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर कॉर्पोरेट बिजनेस। वी ऑल्सो expect to see improvements in our skills and careers business and the schools business is on a robust high and the go forward business is expected to continue to do well. सर गवर्नमेंट का ये फोकस ना बहुत अच्छा है इस पे, डिजिटाइजेशन पे, डिजिटल होने पे। ये आपको एज अ ट्रेनी कितने ऑर्डर्स और मिल सकते हैं? आप सरकारी कर्मचारियों को भी सिखाते होंगे, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी होंगे, इसका क्वांटम मेरे को बता पाएं और कितना बेनिफिट आपको मिलता है जरा ये बता पाएंगे? गवर्नमेंट का बिजनेस हम कम कर रहे हैं अभी, जितना पहले था उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर नॉट टेकिंग न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर्स, वी आर कंटिन्यूइंग टू एग्जीक्यूट ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट वी हैव। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, आपकी ना 40 से ज़्यादा कंट्रीज में इस समय प्रेजेंस भी है, मेरे को ये बताइए कि इस कंट्री से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और कहाँ से इस बार थोड़ा सा बैलेंस शीट अच्छी नहीं लग रही है? फिलहाल हमारे जो कंट्रीज ग्रो कर रहे हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इंडिया ऑल्सो इज ग्रोइंग क्वाइट सब्सटेंशियली, चाइना हैज ग्रोन क्वाइट वेल। सो अक्रॉस द बोर्ड in the large countries where we have operations we are seeing growth. ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या कोई करेंसी का बेनिफिट या फिर गेन इस बार के नंबर्स में था, या फिर ये करेंसी को आपके हेज कैसे कर रहे हैं क्योंकि एक्सट्रीम वॉलेटाइल है? जी हाँ, आपने ठीक कहा, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। इनफैक्ट वी हैव हैड लॉसेज बिकॉज ऑफ करेंसी वॉलेटिलिटी, स्पेशली द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड has seen a lot of volatility just as the Indian rupee has strengthened. So we have been affected by the volatility. We have hedging policies in place and we expect that they will help us out in the coming future. Sir, attrition rate आपकी कंपनी में कितना है? Market से attrition rate हमारा काफी कम है, in the high teens. ठीक है मिस्टर लल्ला, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। आपने बेहतर तरीके से बताया कि आपकी ग्रोथ इस बार अच्छी है, हालांकि गवर्नमेंट से आप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आपको ऑर्डर अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने हमको समझाई। शुक्रिया सर समय देने के लिए हमको।